हाय गाइस, वेलकम टू अवर श्याम फ्रॉम विद निकिता। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यू नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि जो कल मैंने पेंटिंग किया था ना मेरे पापा के हेलमेट में, आज उस पेंटिंग की बैंड बजने वाली। गाइस, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा मेरा, तो फिर आपको पता होगा कि मैंने अपने पापा के हेलमेट में कल की पेंटिंग ड्रॉ की थी, मंडाला आर्ट बनाया था और काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग मतलब रिजल्ट मिला था, बहुत ज्यादा मजा आया था बनाकर। बट ये ऐसी चीज़ में मैंने बनाया है कि मुझे तो इसे क्लीन करना ही होगा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना पहले किसी चीज़ में मैं प्रिंट ले लूँ, ताकि जितनी मेहनत की हूँ वो कुछ टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक मेरे पास रहे। सो ये सभी मुझ में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि जो दिन भर इतनी मेहनत की कल पेंटिंग बनाने में, उसे जाऊँ वॉश करूँ, मतलब बर्बाद कर दूँ फुल्ली। इतनी हिम्मत तो मुझ में है नहीं, इसलिए मैं ले रही हूँ मेरी मम्मी का सपोर्ट। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। गैस, जितना रिस्क लेकर के वो कल की पेंटिंग किए थे ना, उससे ज़्यादा रिस्क लेकर के आज ये प्रिंटिंग करेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी है। मैं खुद ज़्यादा बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि आखिर क्या रिजल्ट आने वाला, पता नहीं मेरा पेंटिंग सही तरीके से प्रिंट भी हो गई या फिर गयो, पता नहीं दोस्तों क्या होने वाला है। तो गाइज, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो पूरे एंड तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बस दो लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, राइट गाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यही वो पेंटिंग है जो कि कल के वीडियो में मैंने बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लीजिएगा। गाइज, इसे इरेज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बट करना तो होगा दोस्तों। तो पहला स्टेप है पिलो कवर से हम इसे कवर करेंगे, यानी कि तकिया के खोल से। तो गाइस, इस टाइप से हमने कवर कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे ना, हैंड से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे, ताकि जितने भी फोल्ड्स है ना वो बिल्कुल प्लेन हो जाए और जो हमारा प्रिंट हो वो अच्छे से निकल पाए, ठीक है। तो अभी गाइस, ये स्प्रे की बॉटल मैंने ली, इसमें हमने वाटर भर लिया, पानी भर लिया, अब इसी से हम उसमें स्प्रे करेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से इसमें स्प्रे कर लेते हैं। तो गाइस, कुछ इस टाइप से मैं इसमें जितने भी एरियाज में पेंट किए हो ना, वहाँ पर हम इसमें स्प्रे कर ले रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों रिजल्ट क्या आता है। तो गाइज, ये मैंने स्प्रे कर लिया, अब इसे हम धूप में रख देते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे धूप में रख देते हैं, ज़्यादा नहीं गाइज, 5 to 10 मिनट तक। तो मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइज, ज़्यादा वेट तो हुआ नहीं मुझसे, तो अभी चलिए देखते हैं क्या हाल है। ओहो, तो कोई नहीं गाइज, ज़्यादा तो प्रिंट नहीं हुआ, बट फिर भी जितना हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा, मज़ा आया दोस्तों बनाने में भी और ये प्रिंट करने में भी। सो गाइज, अभी इतना पेंट तो रह ही गया है इसमें, तो एक्चुअली आर्कलिक कलर मैंने यूज़ किया था ना, तो इस वजह से ये हाल है। तो अभी क्या करेंगे ना, हमें ये हैंकी के हेल्प से इसे भिगो करके एंड उसके बाद फिर से पोछेंगे। तो गाइज चलिए, अब इसे पोछने का कोशिश करते हैं, शायद हट जाए, आई थिंक हट जाएगा, बिकॉज गाइज इसमें ग्लू रहता है ना, तो इस चक्कर में इस टाइप सा हो जाता है, पूरा चिपक चिपक जाता है। तो अभी चलिए गाइस, ट्राई तो कर रहे हैं और काफ़ी हद तक रिज़ल्ट सही मिल रहा है, मतलब अच्छा हट ही जा रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हो बहुत हद तक ये बिल्कुल पेंट हट गया है, और फाइनली गाइस हियर इज़ द रिज़ल्ट, बिल्कुल क्लीन हो गया, मतलब मेरा मेहनत पे पानी फिर गया यार। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। गाइज, जैसे मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी प्रिंटिंग नहीं हुआ, मतलब मम्मी क्या बोल रही थी ना, जो लाइट है वो तो तेरा प्रिंट होने वाला है नहीं, और जो डार्क है वो अच्छे से प्रिंट आएगा, बट जस्ट अपोजिट हो गया, जो डार्क था वो सब ऐसे ही रह गया। एक्चुअली गाइज, मैंने आर्कलिक कलर यूज़ किया था और वाटर कलर यूज़ किया, तो वाटर कलर वाला प्रिंट आ गया और आर्कलिक वाला गया। फिर भी गाइज, जितना प्रिंट आया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगा, मतलब देखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब आप सभी को कैसे लगा ये जानने वाली बात होगी, तो फटाफट से कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा है। ऑल्सो गाइज, ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर बजाइएगा। और हाँ गाइज, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा नहीं बस दो लोगों को शेयर तो आप लोग कर ही सकते हो, तो बस यही टारगेट है आप लोगों को। आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एटलीस्ट 2 पीपल्स को, ठीक है गाइज। सो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस फुल वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। एंड हाँ, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कल की वीडियो नहीं देखे तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। ओके, बाय।